वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आप लोग कैसे हो? मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो चलिए ये वीडियो आप लोगों को मैं तो लावा कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ और लावा कंपनी में जो भी रिक्वायरमेंट चल रहा है भाई, ये लावा कंपनी हमेशा रिक्वायरमेंट चलते रहता है, तो उसे आप समझ सकते हैं वर्क हार्ड होगा ईजी होगा। हमेशा लगभग इससे पहले भी तीन चार एक मंथ पहले, उसके बाद एक मंथ फिर पहले, बार बार जो है इसका प्लेसमेंट होते रहता है, तो घबराने का कोई बात नहीं है। आज भी इसका प्लेसमेंट होने जा रहा है, तो मैं सोचा कि आप लोगों को ये अपडेट कर दूं। तो भाई ये जो है प्लेसमेंट आप लोगों को वहीं वाराणसी यार चोलापुर वो ध्यानंद आईटीआई कॉलेज में लगने वाला है आज ही 25 मार्च 2023 को और शनिवार के दिन। तो आप लोग आ सकते हैं, जिसको भी अप्रेंटिस करना हो वो आ सकते हैं। इसमें जो है क्वालिफिकेशन मंगा गया है आईटीआई इसका 2 इयर्स, कोई भी ट्रेड 2 इयर्स का है तो वो चलेगा और वो चोलापुर आ सकते हैं, ध्यानंद आईटीआई कॉलेज में आके और अपना प्लेसमेंट करवा सकते हैं। और ज्वाइनिंग भाई 100% होगा और ये निःशुल्क भर्ती है, फ्री भर्ती है। आप लोग आइए और फ्री, कोई चार्ज नहीं। वहाँ पे सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन लेटर आप लोगों को दिया जाए, ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों को दिया जाएगा और एक डेट मेंशन किया जाएगा, इस डेट में आप कंपनी विजिट करिए और उस डेट में आपको कंपनी जाना पड़ेगा और उस दिन से आप लोगों का सैलरी शुरू हो जाएगा। सैलरी मैं बता दूं आप लोगों को, इन हैंड सैलरी अकाउंट में सैलरी आएगा सब कट पिट के 10,500 रुपया। और इसका कुछ एज क्राइटेरिया भी है, तो एज क्राइटेरिया भाई आप लोगों को बता दूं 18 से 25 ईयर्स, जो भी भाई 18 से 25 ईयर्स है, आईटीआई 2 इयर्स का कोई भी ट्रेड से पास है वो आ सकते हैं भाई। इसमें डिप्लोमा का नहीं होने वाला है और जो 10th 12th है उसका भी नहीं होने वाला है। जो भी आईटीआई 2 इयर्स कोई भी ट्रेड 2 इयर्स का हो तो वो अपना आ सकते हैं नियर चोलापुर ध्यानंद आईटीआई कॉलेज। और इसके बारे में अगर लावा कंपनी में क्या वर्क होता है, तो वैसे तो लावा कंपनी भाई जहाँ भी लावा कंपनी है लावा का मोबाइल ही बनता है, तो लावा कंपनी स्पष्ट नहीं है लावा का मोबाइल। तो अगर फिर भी आप जानना चाहते हैं कि क्या बनता है, तो उनका वीडियो मैं चैनल पे पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, तो चैनल विजिट करके पिछला वीडियो आप लावा कंपनी के बारे में देख सकते हैं। और लावा कंपनी गेट पे मेरा गेट रिव्यू भी होगा और गेट पे जाके भी मैं वीडियो बनाया हूँ, तो वो गेट वाला वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। चैनल अगर विजिट करिएगा तो लावा कंपनी जो सेक्टर 62 में है, लावा कंपनी अलग है, लावा कंपनी स्टॉक सेंटर अलग है, जो भी स्टोर किया जाता है स्टोर का अलग है, 1 किलोमीटर हट के है। दोनों जगह का मैं ब्लॉग बनाया हूँ, तो दोनों वीडियो आप लोग जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और भाई इसमें कुछ जो है आप लोगों को जैसे यूनिफॉर्म मिलेगा, कैंटीन का सुविधा भी है, कैंटीन भी मिलेगा, मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलेगा, उसका आप लोगों को साप्ताहिक अवकाश भी मिलेगा। तो आप लोग आ सकते हैं, ये सुनहरा मौका अप्रेंटिस करने का। अगर लावा कंपनी चाहते हैं कि मोबाइल बनाए और इस कंपनी से अप्रेंटिस सर्टिफिकेट ले, तो आप लोग आ सकते हैं। सैलरी थोड़ा कम है लेकिन भाई 10,500 सैलरी आप लोगों को इन हैंड सैलरी आएगा 8 घंटे का। अगर इसमें ओटी चलता है तो ओटी डबल है, लावा कंपनी में ओटी डबल है। और आप लोग कोई भी कंपनी जो है अगर नोएडा में लगते हैं, तो अभी के टाइम में जितना रिक्वायरमेंट चल रहा है अभी के टाइम में प्रोडक्शन थोड़ा है, तो भाई कम से कम 15-16 हज़ार सैलरी तक बन जाएगा। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ओटी चलेगा तो 15+ हो सकता है, लेकिन आप लोगों का सैलरी का 26 ड्यूटी पुराते हैं, तो 8 घंटे का सैलरी 10,500 ये तो आप लोगों का सैलरी फिक्स ही है। तो भाई कोई भी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में डॉक्यूमेंट क्या लगता है उनके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट अगर 10th पास है तो 10th का मार्कशीट आप लोगों को लेके जाना ही पड़ेगा, 10th का मार्कशीट मान्य रहेगा और मार्कशीट उसके बाद जो है जो आईटीआई पे जाइएगा तो आईटीआई का भी मार्कशीट ले लीजिएगा और 10th का भी मार्कशीट ले लीजिएगा। और जो डिप्लोमा पे डिप्लोमा का मार्कशीट और 10th का मार्कशीट मान्य रहता कोई भी कंपनी में, सबसे पहला डॉक्यूमेंट ये हो गया। उसके बाद आपको आधार कार्ड लेके ही जाना है, कोई भी कंपनी में ना आधार कार्ड का सिलेक्शन नहीं होगा। आधार कार्ड बैंक पासबुक नहीं है तो वहाँ कोई भी कंपनी में खाता खुलवा दिया जाता है, तो उनका टेंशन आपको नहीं लेना है। लेकिन 3 मार्कशीट, आधार कार्ड और बैंक पासबुक रहना जरूरी है। और कोई कोई कंपनी में जो है कोरोना वैक्सीन मांगता है, तो आप लोगों को निकाल के लेके जाना है। और फोटो कोई कंपनी मांगता है कोई कंपनी में नहीं मांगता, तो 2 से 3 फोटो भी आप लोगों को लेके जाना है। पैन कार्ड है तो लेके जाइएगा, कोई कंपनी मांगता है कोई कंपनी में नहीं मांगता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट लगभग 3-4 डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों को, जैसे मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और फोटो, ये 4 लेके जाना है। कोरोना वैक्सीन है तो लेके जाइएगा तो अच्छा रहेगा, कोई कंपनी मांगता है कोई कंपनी में नहीं मांगता है। पैन कार्ड है तो कोई कंपनी मांगता है किसी में नहीं मांगता है। लेकिन भाई बेंगलोर अगर जाते हैं तो बेंगलोर कोई भी कंपनी में आप लोगों को पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक ये वोटर कार्ड, तीनों आप लोगों को लेके जाना है, फिर ही तो ही आप लोगों को वहाँ बेंगलोर में सिलेक्शन होगा।
पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, लेकिन इधर नोएडा दिल्ली गुड़गांव में ये सब नहीं मांगता, आधार कार्ड है तो चलेगा। तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं आप लोग निहार चोलापुर ध्यानंद आइडिया कॉलेज आ सकते हैं और यहाँ पे प्लेसमेंट करवा सकते हैं। चलिए ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।